हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट म्यूटेशन। मेरा नाम अक्षय है और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे इवॉल्व हुआ, हिस्ट्री उसकी 8085 से कोर i7 तक की, और दूसरा हम लोग देखेंगे उसके बेसिक्स के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसके आगे के टॉपिक्स है लाइक 8085 आर्किटेक्चर, 86 आर्किटेक्चर, फंक्शनल पिन डायग्राम, वो सब समझने के लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अब माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो अगर आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल लो तो माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन्स में, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, ट्रैफिक सिग्नल, हर जगह पर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो अब माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर यूज़ करोगे, तो जहाँ भी प्रोग्रामर को कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसको माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत लगेगा। तो अब देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में कैसे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। अब ट्रैफिक सिग्नल के टाइम क्या है कि एक कोड है जो एग्जीक्यूट करना है, कैसे, तो फ्यू सेकेंड्स के बाद वो लाइट रेड होना चाहिए, फ्यू सेकेंड के बाद वो लाइट येल्लो होना चाहिए, और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ये जो भी कोड है, वो कोड लिखा होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो और हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, टीवी के रिमोट में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, और मोबाइल के एसी के रिमोट में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो क्या हम वहाँ पे कोर i7 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं जो सबसे लेटेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स है? नहीं ना। वहाँ पे हम लोग कैसे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो पुराने माइक्रो प्रोसेसर है 8085 और 8086, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो सब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं छोटी छोटी डिवाइसेस में। तो इसके लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर में 8085 के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों? आप बोलोगे कि अभी लेटेस्ट हमारे पास CI7 है, C2D है, तो हम लोग ये क्यों नहीं पढ़ रहे डायरेक्ट? तो ये जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है इसका, ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले सिंपल वाला समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे कि पहले 8085 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले हैं, वो कौन से माइक्रो प्रोसेसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। 8086 है, 8088 है, 8386 है, पेंटियम प्रोसेसर है, बस इतने प्रोसेसर के बारे में हम लोग सिलेबस में देखेंगे। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर के जो आर्किटेक्चर है वो हम लोग बाद में वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो उसका बेसिक्स क्या है। तो अभी ये था कि वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 8-bit वाला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसके पास सिर्फ 8-bit थे, 8-bit बस और 8-bit एड्रेस बस और डेटा बस। बसेस मतलब क्या, वायर जो डेटा कैरी करते या तो एड्रेस कैरी करते। अब ये डेटा बिट्स, डेटा मतलब क्या, डेटा बिट्स के फॉर्म में रहेगा, 0 और 1 के फॉर्म में। अब ये था 8085, 8-bit माइक्रो प्रोसेसर था। 8086 है, 16-bit माइक्रो प्रोसेसर है। फिर आया 80186, 286, 386। 80386 जो है ना वो बेंचमार्क था, क्योंकि यहाँ पे है ना हम लोग ने 32-bit माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ये जो 80386 है ना वो 32-bit माइक्रो प्रोसेसर है। बाद में 486 आया और 586। 80586 को पेंटियम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। बाद में P1, P2, P3, P4, देन C2D, Core2DO और CI7। लेटेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है CI7, Core i7। अभी हम लोग Core i7 यूज़ करते हैं। अगर आपके लैपटॉप में आप देखोगे तो लेटेस्ट लैपटॉप में आपको ये वाला प्रोसेसर मिलेगा। नाउ देखते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहता है। एक मेमोरी रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस, और रहता है माइक्रो प्रोसेसर रहता है। आप कंप्यूटर पे कभी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, तो आप कीबोर्ड पे कुछ इनपुट दे दो, तो क्या कीबोर्ड आपको वो कैलकुलेशन करके आंसर दे रहा है? नहीं। क्या मॉनिटर परफॉर्म करके दे रहा है? नहीं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन वाले कैलकुलेशन है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं? तो वो माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म होते हैं। जो भी इनपुट आप देते हो ना, वो इनपुट सेंड होता है माइक्रो प्रोसेसर को, वो वहाँ पे कैलकुलेट करता है और वो आंसर भेजता है, आउटपुट देता है किसको, डिस्प्ले को, मतलब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस को, मतलब मॉनिटर को देता है। अब मेमोरी मतलब क्या, मेमोरी मतलब सिंपल मेमोरी आप देखोगे तो मेमोरी कार्ड रहता है। हमारे फ़ोन में भी इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो मेमोरी क्या करता है, तो डेटा स्टोर करता है। तो कौन से डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, वीडियो, कुछ भी इमेजेस, सब स्टोर करता है। पर ये मेमोरी में एक्चुअली में क्या स्टोर होता है पता है? बिट्स स्टोर होता है, 0 1। वो कुछ सॉन्ग्स स्टोर नहीं कर रहा, ना ही तो वीडियो स्टोर कर रहा, ना ही तो इमेज स्टोर कर रहा है, वो बिट्स स्टोर कर रहा है 0 1 के फॉर्म में। ओके, तो ये मेमोरी। मेमोरी कौन सी है, तो रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, वो आज का टॉपिक नहीं है।
तो माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स में आपको क्या समझ में आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, कि जो भी प्रोग्राम आपने दिया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, माइक्रो प्रोसेसर का काम है। तो दोस्तों ये था बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे 8086 का आर्किटेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।